हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शॉर्ट कट की के बारे में। चलिए चलते हैं, पहले से हम टाइप कर लिखे हैं। चलिए आपको बताते हैं कंट्रोल ए से क्या होता है। जब आप टूल टाइप करते हैं तो आप पे डेस्कटॉप या किसी भी काम कर रहते हैं उसमें ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी की बात होती है तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज किया जाता है। इसे इन वर्ड में, एम एस वर्ड में बोले तो वर्ड पैड में सभी में यूज किया जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आप किसी फाइल फोल्डर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। कंट्रोल ई से बात करें, कंट्रोल ई से एलाइनमेंट होता है, एलाइनमेंट सेंटर होता है, मतलब आपका टेक्स्ट होगा जो बीच में आ जाएगा। जब आप इस वर्ड का यूज करेंगे तो टेक्स्ट कोना अलग अलग ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है कि ये बीच में सेंटर में लाता है। कंट्रोल एफ से किसी वर्ड को फाइंड किया जाता है। कंट्रोल जी से गो टू किसी वर्ड तक जाना, डायरेक्टली जाना हो तो गो टू का यूज करते हैं। रिप्लेस किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस करते हैं। कंट्रोल एच से टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। कंट्रोल आई से कंट्रोल जे से बात करते हैं तो जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई और कुछ होता है, जस्टिफाई एलाइजमेंट होता है आपका, इसके यूज एम एस वर्ड में मिलेगा। कंट्रोल के का बात करते हैं तो इससे हाइपर लिंक होता है, ये भी लिंक मेल मर्ज है, उस एम एस वर्ड में ही मिलेगा आप लोगों को। लेफ्ट अलाइनमेंट, इससे कंट्रोल एल से हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड चला जाता है। सेलेक्ट करके कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा हमारा सेलेक्ट। कंट्रोल एम से न्यू साइड होता है, कंट्रोल एन से न्यू पेज ओपन हो जाता है। जब हम किसी भी पेज पे काम कर रहे होते हैं और न्यू पेज लेना होता है तो कंट्रोल एन टाइप करते हैं। कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ से ओपन होता है। कंट्रोल पी का बात करें तो कंट्रोल पी से मोस्टली प्रिंट करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, उसमें ऑप्शन खोलता है, आप अपने कमांड के अनुसार प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, कंट्रोल क्यू से होता है एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो है आपका राइट साइड आ जाएगा। कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड और कंट्रोल ए से हमारा फाइल सेव होता है। और कंट्रोल टी से बात कर लेते हैं, कंट्रोल टी से न्यू टैब ओपन होता है शायद, हाँ न्यू टैब होता है, कंट्रोल टी से न्यू टैब होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन होता है, या ऐसे भी कंट्रोल यू करते हैं तो आगे का वर्ड अंडरलाइन होने लगेगा। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, जब हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं उसे क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से किसी प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं तो उसे कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स का बात करें तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, हम कट कर किसी जगह कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। कंट्रोल वाई से रीडो होता है और कंट्रोल जेड से विंडो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।